आज के इस वीडियो में बात करेंगे देश की वो पहली फिल्म जिसकी शूटिंग विदेशों में हुई, रिलीज होते ही बनी ब्लॉकबस्टर, वो 1964 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भी फिल्म बनी थी। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी फिल्म के बारे में बात करने चाह रहे हैं हम। वैसे उसमें फ़िल्म का ज़्यादातर हिस्सा विदेशों में शूट किया गया है। वो देश की पहली ऐसी फिल्म बनी थी जिसे विदेशों में शूट किया गया। इस फिल्म में राज कपूर, राजेंद्र कपूर और साथी और कलाकार थे। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। कपूर खानदान में बॉलीवुड में इंडस्ट्री को कई बेहतरीन कलाकार दिए हैं, उनमें से एक ये पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर, जिनका नाम बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं की लिस्ट में शुमार था। लोग उनके अभिनय के दीवाने थे। साल 1964 में उन्होंने एक ऐसी फिल्म बना डाली जिन्हें बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था। वो फिल्म ऐसी भारतीय फिल्म थी जिसकी शूटिंग विदेशों में हुई थी और उस फिल्म का नाम था, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सी वो फिल्म है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राज कपूर एक शानदार निर्देशक और प्रोड्यूसर भी थे, जिनके निर्देशन में बनी कई फिल्में आज भी लोगों की पहली पसंद हैं। आज हम आपको बता दें राज कपूर द्वारा निर्देशित एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी शूटिंग पहली बार विदेशों में हुई थी। 1964 में आई फिल्म संगम को राज कपूर ने डायरेक्ट भी किया था और प्रोड्यूस भी किया था, साथ ही साथ उन्होंने इस फिल्म में लीड रोल भी निभाया था। ये फिल्म लोगों को बेहद पसंद आई थी। संगम रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और ये साल 1964 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी थी। इस फिल्म में राज कपूर के साथ वैजयंती माला और राजेंद्र कुमार भी मुख्य भूमिका में थे, जबकि इनके जाती कलाकार राज मेहरा, नाना पाल सीकर, ललिता पवार, अचला सचदेव और हरी सिवदा सानी थे। ये मुख्य भूमिका में तो नहीं थे लेकिन इनके सहायक कलाकार की भूमिका में नज़र आए थे। ये एक पायलट की कहानी थी जिसे सभी मृत समझ चुके थे, लेकिन जब वह युद्ध से जीवित घर पर लौट आता है तो उस महिला यानी कि वैजयंती माला से शादी करता है जिससे वह लंबे समय से प्यार करता था, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि वह उसके सबसे अच्छे दोस्त यानी राजेंद्र कुमार से शादी करने की योजना बना रही थी। विकिमीडिया के अनुसार संगम पहली भारतीय फिल्म थी जिसे विशेष रूप से लंदन, पेरिस और स्विट्जरलैंड सहित विदेश में शूट किया गया था और ये उस समय की किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे लंबे समय तक चलने वाली सबसे महंगी फिल्म भी कहा जाता है। इस फिल्म की जो कहानी है ना और चरित्र चित्रण के कारण बोल्ट यानी कि ज़्यादा हॉट और अपने समय से काफ़ी आगे माना गया था। इस सभी चीज़ों से फिल्म की व्यावसायिक सफलता पे अत्यधिक योगदान दिया गया था, जबकि ये फिल्म उतनी चर्चित रही कि ये बोल्ट फिल्म है फिर भी इस फिल्म को सबसे ज़्यादा देखा गया है। यही वजह भी रही थी कि फिल्म संगम में वर्ल्ड वाइड 8 करोड़ की कमाई की थी जो कि उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई मानी जाती थी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपके पास कोई सुझाव हो या कोई किस्सा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। जय हिंद।